अस्सलाम वालेकुम मेरी जान, कैसे हो सब? तो वेलकम हो गया आप लोग का न्यूट्रल बॉक्स में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो जैसे कि हम इकरीब की सेकंड ढोलकी के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, तो अरीब की और इकरस एस्ट्रोलॉजी के व्लॉग्स के ऊपर हमने रिएक्ट कर लिया था, तो अब हम हीरा फैसल के ब्लॉग के ऊपर रिएक्ट करने लगे हैं। तो जी मैं भाई करें स्टार्ट, तो फिर हम करते हैं स्टार्ट। Assalamualaikum everyone, this is me Hira Faisal and welcome to my YouTube channel. Welcome to the 1 million वाले subscriber वाले channel पे। So आज का दिन जो है वो हमारे इस तरह से गुजरेगा कि आज हम लोग को जाना है और हमारे 10k subscribers नहीं हो रहे हैं यार। सर भी क्या कर रहे हो आप, जल्द से जल्द हमारा भी channel subscribe करें, confuse करते हैं हमारे 10k subscribers। आज हम लोगों ने जाना है अरीब भाई के घर ढोलकी पे और हम लोगों को उसके लिए रेडी होना है। सबसे पहले आप जैसा कि मेरे बालों में देख सकते हैं ऑयल शॉयल लगा हुआ है, मुझे इसको साफ करना है, फ्रेश होना है। अभी कपड़े डिसाइड करने हैं क्योंकि अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा प्लान एकदम से अचानक से बना है। और इसके साथ साथ हमारे घर आ रहे हैं कुछ मेहमान और मैं आपको अपनी अम्मा की सफाइयाँ दिखाती हूँ। जब मेहमानों ने आना होता तो हमारे घर किस तरह की सफाई होती है, सो या बाकी की सारी चीज़ें आपको साथ साथ दिखाती हूँ। तो भाई ये मेरी अम्मा की सफाई, यहाँ पे सारा गंद पड़ा था, मैंने आज ऐसे ही आके देखा, मैं हैरान हो गई हूँ कि बाकी सारा गंद गया किधर, समझ आ गया। तरीका नहीं होता, जितना मर्जी हो देखो ये सारे इधर पड़ा, मुझे तो लग रहा है ऊपर से चला जाएगा। फिर सामान उतारने के लिए ना हमें सीढ़ी चाहिए होगी। खड़ी हो जाना ढोलकी पे आज। हाँ जी, मेरा ना मकसद आज ढोलकी ढोलकी है जी। कोई भी रेडी बाहर एक बड़ा मजे का सॉन्ग आया, वो सुनने लगी हूँ। आज अभी हम सॉन्ग लगाते हैं। अच्छा ये वाला गाना ना उस दिन इतना अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। बहुत 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 मजे का गाना है सच में, इट्स वेरी एडिक्टिव। मैं काफी टाइम से यही सुनी जा रही हूँ, सो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ सॉन्ग का, अगर आपने भी सुना तो जाके फटाफट से गाना सुने। और हम अभी जा रहे हैं रेडी होने। ओके गाइस, सो तो आइए, हम नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं, अभी रियल वाला तैयार नहीं हुए हैं, अभी कपड़े डिसाइड करने हैं आप लोगों ने मेरे साथ, और थोड़ा बहुत मुझे बताना है कि दिस एंड दैट। और मैं लोगों से, मतलब लोगों ने अपने घर वालों से भी पूछूंगी कि भाई कौन सा पहनूं, क्योंकि भाई कितनी ढोलकियाँ रखनी है मुझे बता दो, मैं उसके लिहाज से ढोलकी 1, ढोलकी 2, ढोलकी 3, ढोलकी 4, ढोलकियों के कपड़े ला के रख लो। तो अभी मेरे पास फिलहाल कोई कपड़े नहीं है, ढूंढती हूँ, देखते हैं क्या पहनती हूँ। खुद अपने मामा के मेके वाले आए, अपनी बेटी को विदा करते करते वहाँ मेके वाले बुला लिए। इसलिए मामा आपने खुद अपने हाथों से तो नहीं बनाया? हाँ, कुछ डब्बिया की तरह कुछ ट्राई किया। पहली बार मैंने कहा मैं क्यों नहीं शेफ बन सकती, इतना वो एक मीम है ना, डब्बिया बन सकती है, डब्बिया शेफ बन सकती है। उसने उस दिन कितने अच्छे कटलेट्स बनाए थे मामा, आई मैंने ट्राई की और मैंने मामा, मुझे ना ये ऐसा साफ सफेद नेक्स्ट लग रहा है ना, तो लोग मैं तुम्हें रेसिपी दिखता हूँ मामा, जरा मेरे सर पे हाथ रख। ये बहुत बहुत अच्छे से हैंडमेड और चिली वाला मटन। ओके गाइस, तो मैं आज के इवेंट के लिए ये फ्रॉक पहनने वाली हूँ जो कि मेरी अम्मा की है, बैक लाइक पता नहीं कौन सा कहा था कि मैं थोड़ी सी ऐड करवाऊंगी पहनने लगी, क्योंकि बहुत समझ नहीं आ रहा था मेरे हाथ ये, लेकिन बट आई एम कंफ्यूज्ड कि मैं इसके साथ ये वाला दुपट्टा कैरी करूँ या फिर ये वाला कैरी करूं, जो जो लग रहा है मेरे अकॉर्डिंग ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने कमेंट में बताना है कि हीरा आपका डिसीजन सही था या गलत था, और बहुत सारे लोगों ने मुझे लास्ट ढोलकी की जो लुक थी उसके बारे में पूछा था। सो आज मैं मेक श्योर करूंगी कि जो जो प्रोडक्ट्स मैं यूज करूंगी, जिस जिस टेक्निक से यूज करूंगी वो आपके साथ शेयर करूँ। दुल्हन मुझे पता नहीं क्यों घूरते हुए ना, ये तो नहीं लिया मैंने कभी भी नहीं, ये पहली दफा पहना, तुम मुझे देख, तुमने लिया था नहीं, फिर तो यार मैं ले रही हूँ, आप भाई मसला है कोई? सो या हम लोग पहले रेडी होते हैं, बाल मैंने कर्ल कर लिए थे क्योंकि एक कर्लिंग ट्यूटोरियल तो आप सबको ही पता है। तो भाई मेकअप शुरू करने से पहले ना मैंने अपना फेस जो है वो वॉश कर लिया और लगा लिए हैं प्यारे से लेंस। अगर आप लोग न्यूड लुक, नो मेकअप लुक करना चाह रहे हो ना, तो मेक श्योर करो आप लेंस लगाओ,
ये आपकी नो मेकअप लुक को 2 times एनहांस कर देगा. लाइक आई डू, मैं हमेशा लेंस पहनती हूँ. रूल नंबर 1, अपने फेस को मॉइस्चराइज करें सबसे पहले. जितना आप ग्लोई डोई दिखाना चाहते हैं, तो या इस नोई पोई ने अपना मुंह ग्लोई डोई कर लिया है. तो अब रूल नंबर 2, अप्लाई कंसीलर. क्या कह रही हो? रूल नंबर 3, अपनी बहन जो दुल्हन है उसको भी जो लगाएं खुद उसको भी. ठीक है, मैं अब इसने खुद कहा रूल नंबर 1. रूल नंबर 3, मैंने थप्पड़ अपने मुंह पे लगाया, बहन को भी दिया जो दुल्हन है. डन, ये रूल नंबर 3 है. ओके गाइस, तो मैं अभी बन गई हूँ जिन. सबसे पहले मैंने कंसीलर लगाया है, ये वाला कंसीलर है, और इसको हम पहले ब्लेंड करेंगे और इसके बाद हम लगाएंगे हल्की सी फाउंडेशन. ओके गाइस, तो ये मर्ज करने के बाद मैं ये लगाऊंगी लिक्विड फिल्टर, शाइनी शाइनी, बिकॉज आई वॉन्ट शाइनी. लगाने के बाद आपको दिखाती हूं. ओके गाइस, तो एज यू गाइस कैन सी, मेरा जो फेस है इस टाइम वो लश्कारे मारा, बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है. और मैं अब करने लगी हूँ इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो है कि मैंने बेस भी लगा ली, कंसीलर भी लगा ली, लेकिन मैं अपनी जो बेस है उसको फिक्स करूंगी सिर्फ अपनी आईज के अंडर और आईज के ऊपर, बिकॉज मुझे यहाँ पे बेस लॉक चाहिए, यहाँ पे मुझे शाइन चाहिए. तो इस पे मैं फेस पाउडर को पे पाउडर नहीं लगाऊंगी, सिर्फ अपने आंखों के इर्द गिर्द नीचे पाउडर लगा के इसको फिक्स करूंगी, लॉक करूंगी, या नोज पे जहाँ पे थोड़ा ऑयली एरिया होता है आपका. ओके गाइस, तो जो मेकअप है वो मैंने अपना यहाँ से अंडर आईज, एज यू गाइस कैन सी, अगर अच्छे से दिख रहा है तो मैं भूत नहीं लग रही, तो मैंने सेट कर लिया है. और मैंने यहाँ पे जो आईब्रोज हैं वो भी बना ली हैं. अब हम बारी है हमारी थोड़ी आईज बनाने की. तो आईज में हमारा जो ड्रेस है वो थोड़ा सा ब्राउनिश है, तो हम अपनी आईज पीची रखेंगे, ऑरेंजिश पीची. उससे पहले हम ये वाला शेड लेंगे. सबसे पहले मैंने अपनी आईज पे वो वाला शेड लगाया जो आपको उन्होंने बताया था. फिर उसके बाद मैंने अपने डार्क शेड से, डार्क को उससे डार्क सीक्रेट छुपाया. आपको पता है मेरा डार्क सीक्रेट क्या है? गेस व्हाट, शायद मैं पापड़ खाती हूँ, और बहुत खाती हूँ, और मैं खट्टियाँ खाती हूँ, बहुत ही खट्टा. उस दिन हमने मैंने और राबिया ने खट्टा पार्टी की थी, और हम दोनों के गले भी ख़राब हुए, पेट की. सो वैस दिस इज़ माई फाइनल आई मेकअप लुक. मेरी आप आईज का वो देख सकते हैं, मैंने बस अपनी कलाकारी छाड़ी है. ठीक है, फाइनल होके आपको दिखाती हूँ. ठीक है, हम लेट हो रहे हैं. ओके गाइस, तो जो मेरा मेकअप है ना वो आधा अधूरा हो चुका है. अब मैं आपको फाइनल रेडी होके, मतलब कपड़े सपड़े पहन के आपको अपनी फाइनल लुक दिखाती हूँ. बाल फटे हुए चाहिए थे, तो अब मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ. मैंने स्प्रे लगा लिया था ज्यादा सारा. अब मैं अपने बालों को कुछ इस तरह से करके वॉल्यूम दे रही हूँ. ये वॉल्यूम नहीं होता, ये घोंसला होता है. हाँ ना, और इसमें कहाँ सा वो करेंगे. और ये देखना, एक फुलर लुक देखिए. फुलर नहीं लग रहा हीरा, काफी लग रहा पीछे से तुम्हारे किसी ने बाल खींचे लड़ाई में. हाँ पता नहीं, मुझे इस तरह के बाल बहुत अच्छे लगते हैं. बेटा लोग ऐसे करते हैं, ये हेयर स्टाइल है. ओके गाइस, तो यहाँ पे जैनम ने सारा गंद मचाया, वही तो बैठ के अपनी वीडियोस बना रही है. एंटर आ, दिस इज मी, दिस इज माय फाइनल लुक. और फाइनली मैंने अपना ये वाला हेयर स्टाइल चूज किया. क्या बेसिकली मैं आपको दिखाती हूँ क्या लेना चाह रही हूँ. ये चोरी करना चाह रही है मुझसे, जो कि मैं नहीं दूंगी. अब हम लोग निकल रहे हैं अली भाई की तरफ, हम लोग वहाँ जा रहे हैं, ढोलक बजाएंगे, खाना खाना खाएंगे, इंजॉय करेंगे, एंड देन वापस आ जाएंगे घर. तो अब हम लोग निकलेंगे ढोलकी के लिए. ओके गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे. यहाँ पे ये सब बहनें इधर बैठी हुई हैं, अभी ब्राइड जो उतर रही है. तो हम लोग आपको अंदर जाके दिखाते हैं. ओके, सो हम लोग एंटर हो रहे हैं. यहाँ पे जो बहन है वो चिपक चुकी है. इतना डिकोर हुआ हुआ है ना, ये नहीं मतलब ये नहीं, मुझे डिकोर दिखा देते हैं. यहाँ पे इतना प्यारा डिकोर हुआ हुआ है ना. ओ माय गॉड, मेरा दुपट्टों के स्टाइल अप्लाई हो रहे हैं. वैसे एक बात कहूं, आप ही इसको ना ऐसे ही रखो, इसको दुपट्टा ना लो. जितना नॉर्मल नेचुरल लगे उतना ज्यादा अच्छा है. नहीं मेरे ना दुपट्टा कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं कह रही हूँ लुक बन रहे हैं सुपर सुपर ज्यादा अच्छा लग रहा है. ये ना नहीं लग रही है यार. शुक्रिया आपको. इधर मेरी अम्मा बैठ चुकी हैं, इधर फातिमा, ये है बच्चा गुमसुम होते हुए, जैनब अपने ख्यालों में, और यहाँ पे अपने ख्याल में, और यहाँ पे सेट की जा रही है लाइट, ताकि ब्राइड के अच्छे से अच्छे पिक्चर मिल जाए. जैनब ये क्या कर रही हो तुम, सारा गंद डाली जा रही हो. जैनब सारा गंद ये देख लो, अरे ये देख लो, कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं. और यहाँ पे एंट्री हुई है पापा की. पापा स्पेशल ब्राउन कलर पहन के आए हैं. वो सेम सेम मैचिंग, पापा को पता था क्या पहन के आ रहे हैं. डन, अच्छा लग रहा है. अब आप अंदर अंदर जाएंगे. प्रोग्राम चल रहा है, अच्छी आ रही है.
कुछ लबना नहीं है, खत्म हो जाना है सब कुछ। शफीक अहमद समझ नहीं आ रही है कि अब बुला रहे हैं तुझे बाहर आ जा खाना खाने चले। तो गाइस मैं आपको मेन्यू दिखा देती हूँ। ये क्या है? मटन कुन्ना। ठीक है, मटन कुन्ना है। ये हमारे डिफरेंट तरह के नॉन्स हैं। ये हमारी मलाई बोटी है एंड दिस वन इज चिकन कबाब समथिंग। तो भाई जो जो मेन्यू में तरह मैं सब अपनी प्लेट में डाल रही हूँ। और ये जैनब की प्लेट है, फातिमा की प्लेट है, सब अपना अपना राइट। वो ध्यान खाना खा रहा है, मुझे भी खाने दीजिए। गाइस तो हमने खाना शाना खा लिया था और यहाँ पे ना मैडम जो है ना इनको लोकेशन मिल गई है और वो यहाँ पे आके ना शूट कर रही है। जैनब पिक्चर तुम इसकी क्लिक कर रही हो, पोज तुम बना के खड़ी हो। बाय गर्ल, पापी की कॉल आ रही है, वो नीचे बुला रही है और हम नीचे जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा ढोलकी बजाने का टाइम आ गया है। हर सब आप आ सकती हूँ जो क्यों मैं पिक्चर देखना अच्छी नहीं लगती। कौन है रे तुम? फातिमा से कौन है लेने? फातिमा इसकी पिक्चर लो। चलो ज्यादा शौकिया नहीं, जापी की कॉल आ रही है। तो यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे जो है हमारे दूल्हा दुल्हन बैठ चुके हैं और यहाँ पे केक कटिंग सेरेमनी होने वाली है। बाकी सब खुद खा ले हमारी ढोलकी आज। आप ही का संदेश है कि जल्दी अंदर आओ, मेरी बहन आ टाइम से पिक्चर लेने दो। जल्दी मेरी फातिमा को बुलाओ, फातिमा नहीं आ रही। फातिमा आप ही बुला रही है, नीचे जल्दी आ जाओ। जल्दी दुल्हन को वेट नहीं कराते हैं, वरना तुम्हारी शादी लेट होगी। जिसने दुल्हन को वेट कराया उसकी शादी लेट होगी। गाइस आ जाओ, आ जाओ। अब यहाँ पे सोफा शिफ्टिंग हो रही है, यहाँ पे लड़की वाले बैठेंगे और यहाँ पे लड़के वाले बैठेंगे। लड़की वाले भी बैठे हैं, ये कह रहे हैं। वो आप सही कहते हैं ना, मेरा सबको दिखा देती है। अभी तो वो उसकी मामा क्या कहते हैं, वो है सुंदर। कोई हरकत है इनके करने वाली, बीच चौराहे में कर क्या रही हैं? और फिर अपना पाव भी ऐड कर देती हूँ। ओके गाइस तो हम लोग पहुँच चुके हैं इस ड्राइवर के साथ किधर। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं कार
और हाँ, जो मैंने टाइगर 3 का सॉन्ग आज आपको बोला था उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, सुनिएगा जरूर। तो अभी हम लोग अंदर जाते हैं, मेकअप शेकअप उतारते हैं और देखते हैं कि सोते हैं, बहुत ज्यादा रात हो गई है। ओके गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर प्लस डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। आई विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो।